प्रियंका के फैंस ने शिव के झूठ को बुरी तरह से एक्सपोज किया है। जी हाँ, देखिए घर के अंदर भले ही शिव और प्रियंका कॉर्डियल टर्म्स पर आ जाएं, शिव और प्रियंका में भी यू नो कल जिस तरह से शिव ने संभाला प्रियंका को वो वाकई काबिले तारीफ था। बट बाहर फैंस जो है वो अपनी राइवलरी तो बरकरार रखेंगे ही। वेल हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर शिव ठाकरे को एक्सपोज कर दिया है प्रियंका के फैंस ने। कल शिव ने जो झूठ कहा, जी हाँ, देखिए मैंने भी मराठी सीजन पर्सनली देखा नहीं है, लेकिन हाँ जब ये मुद्दा हुआ था तब ये बातें काफी निकली थी, वो मुझे याद है अच्छे से। सो शिव ठाकरे को लेकर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां पर उनके पुराने सीजन का ये फुटेज है, जब जिस तरह से शिव ने इस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया कि उन्होंने ऐसे हो गया था और मैंने ऐसे कर दिया, आप छुड़ाओगे कैसे, मैंने ऐसे काट दिया, तो शिव वहां पर झूठ बोल रहे थे और वो चीज इस वीडियो में क्लियरली दिख रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, दिखा भी देती हूँ और बता भी देती हूँ। हालांकि एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, शिव जब झूठ बोलते हैं ना, तो उनके फेस पर दिख जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मे बी उन्हें आदत नहीं है झूठ बोलने की, बिकॉज वो है तो अच्छे इंसान ही अल्टीमेटली। मराठी बिग बॉस में तूने किसी को काटा? काटा? ऐसे काटा। और एक दौर आया जब दूसरा वाला लड़का को बिग बॉस ने पूछा कि शिव को यहाँ से निकालो। काटा नहीं था, उसने मेरी गर्दन पकड़ी। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके। अच्छा, तो बिग बॉस ने दोनों को ये बोला था, दोनों को खड़ा किया था, तो ये मतलब एक टास्क था, रस्सी होती ना, रस्सी तो मेरी रस्सी चारों इसमें थी, तो मेरी गर्दन पूरी, सांस लेना नहीं होता फिजिकल नहीं हो सकते ना। उसने ये किया इसलिए मैंने छुड़ाने के लिए ऐसे किया, बाद में उसने बहुत खींचा ताना, फिर बिग बॉस ने दोनों को बोला, तो फिर उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया। अब मैं दिखाती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। अरे यार, अरे यहाँ पर ये बात कही जा रही है, आरोह जिनको काटा था शिव ने, वो ये बात कह रहे हैं कि हर टास्क में ये ऐसा ही करता है, हर टास्क में ये यू नो वायलेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है ये प्रियंका के फैंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर जगह पर। आपको अब इस पर क्या है कहना, बताइएगा जरूर।